हरियाणा में अब एग्रीकल्चरल लैंड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि अब एग्रीकल्चरल लैंड के लिए प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट चार्ज भी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में 433 कॉलोनियों को 30 दिन में नियमित किया जाएगा। से पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएटली मिलेगा। इसके लिए पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें कहना चाहेंगे? सेकंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स में अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूंगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति, इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूं, तो उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अन्नपुर कॉलोनियों को रेवलाइज करने के लिए हमने 741 अन्नपुर कॉलोनियों को रेवलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है, और बची हुई 433 कॉलोनियां को निमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य निश्चित किया है।